हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेट वाइज ट्रांसपोर्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स, सेल्स, ट्रांसपोर्ट्स, डेट वाइज ट्रांसपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। व्यू, जिस व्यू वाइज रिपोर्ट देखनी हो वो ऑप्शन यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कंपनीज, यहाँ पे F4 की प्रेस करके लिस्ट में से जिस कंपनी की रिपोर्ट देखनी हो उसे टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कंपनी ग्रुप, अगर रिपोर्ट में कंपनी के ग्रुप का एड्रेस प्रिंट करना हो तो इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। नेक्स्ट डेट, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट चाहिए हो वो पीरियड यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे बुक, अगर सभी डे बुक्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर डे बुक के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके डे बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टी, अगर सभी अकाउंट्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर अकाउंट के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर, अगर सभी ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट LR नंबर ऑप्शन, अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट देखनी हो जिसमें LR नंबर है तो यहाँ पे नॉट ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट देखनी हो जिसमें LR नंबर नहीं है तो ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज दोनों की रिपोर्ट देखने के लिए बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट एरिया कोड, अगर सभी एरिया की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर एरिया की रिपोर्ट के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स को सेट करने के बाद अगर हमें ये सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ चुकी है, यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट में कॉलम्स को ऐड या लेस करना हो तो यहाँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट को कस्टमाइज कैसे करें उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम राडिक्स में डेट वाइज ट्रांसपोर्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।